ये कौन से टार हैं जो 3.25 करोड़ के आते हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने मरियम नवाज की गाड़ी के टायरों पर सवाल उठा दिए। तो जनाब, खबर यह है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती इस्तेमाल की सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने और नई पोशिश और मैट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए तलब किए गए हैं। इस हवाले से इवाने वजीर आला ने सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है, जिसमे कहा गया है की 2.73 करोड़ रुपए का जिमनी बजट फौरी तौर पर जारी किया जाए। खबर पर अजमा बुखारी का रद्द अमल आया और उन्होंने कहा की सरकार गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मस्जिद कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मस्कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मस्जिद कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया, महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मुज़म्मत अमर है। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि ये कौन से टायर हैं जो 3.25 करोड़ के आते हैं? अवाम के टैक्स का पैसा गाड़ी की डेकोरेशन पर करोड़ों में लगाया जा रहा है। कानूनी तरीकाकार की बात हमें ना समझाएं, जो अपना हलका हार कर जाली तौर पर जीत कर आने वाले हमसे कानून की बात ना करें। अपना हलका हार कर जाली तौर पर जीत कर आने वाले हमसे कानून की बात ना करें।